मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के गेट पर ही आज जोरदार भिड़ंत हो गई। जी हाँ, एक पुलिस वाले पर एडिशनल कलेक्टर की पिटाई का आरोप लगा है। आरोप है कि पहले एडिशनल कलेक्टर ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा था, जिससे गुस्से में आकर पुलिस वाले ने भी पिटाई कर दी एडिशनल कलेक्टर की। गाँव में हल चला के कमा के खा दूंगा, तेरे बाप मार के दिखा दूं। अरे तेरे बाप तेरी मार के दिखा दूं। ब्रजेश राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। ब्रजेश, हुआ क्या था? देखिए, उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, तो महाकाल के मंदिर के ठीक ऊपर तरफ एक नाग देवता का मंदिर है, जिसको नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहते हैं। और ये मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक दिन 24 घंटे के लिए खुलता है, नाग पंचमी को। कल नाग पंचमी थी तो उसकी पहली रात से खुला था, रात 12 बजे से लेके कल देर रात 12 बजे तक खुला रहा। मगर उस बीच में इस एक दिन के खुलने के चलते काफी भीड़ जो जाती है श्रद्धालुओं की, तो उस दरमियान पता ये लगा है कि जो अपर कलेक्टर है नरेंद्र सूर्यवंशी, वो उस जगह से जाने की कोशिश कर रहे थे जहां से श्रद्धालु निकल रहे थे। इस तरह से वहां जो कांस्टेबल था भवन लाल, उसने उनको रोकने की कोशिश की और दोनों के बीच गर्मा गर्मी हुई। और बताया ये जा रहा है कि जो अपर कलेक्टर है उन्होंने कुछ हाथापाई की कांस्टेबल के साथ, और उसके बाद कांस्टेबल ही बिफर गया और दोनों के बीच जम के मारामारी हुई और मौके पर मौजूद लोगों ने उनको संभाला। बड़ी अप्रिय स्थिति बन गई थी उस वक्त की, एक कांस्टेबल और अपर कलेक्टर भी झगड़ा हो रहा है। आज ये बात जब एसपी मनोहर वर्मा से बात की है, तो उन्होंने कहा पूरे मामले की जांच के लिए हमने एडिशनल एसपी और एक एडीएम की जांच कमेटी बनाई, जिस पूरे मामले की जांच चलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में कोई मामला दर्ज अभी तक नहीं हुआ है, मगर एक ऐसी घटना है जिससे पूरे प्रशासन में खलबली मची हुई है और हर आदमी पूछ रहा है कि जब प्रशासन के लोग ही आपस में इस तरीके की असीम गालियां देते हुए लड़ेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा।